अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी मोमिना आज मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ विद डॉक्टर शफक रामिक मैं एक महीना पहले इनके पास आई थी और मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी थी मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी गई और उन लोगों ने मुझे बहुत हाई लाइक फाइव हंड्रेड एम जी की मेडिसिन रिकमेंड की जिसकी वजह से मुझे और काफी इशूज होने लग गए फिर जब मैं डॉक्टर शफक रामे के पास आई तो पहले इन लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे इशू क्या है मैं डॉक्टर शफक रामे के पास आई जो जो गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं और इन लोगों ने मेरी पूरी हिस्ट्री ली और मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड की जिसकी वजह से ना तो सिर्फ मेरी एक्नी बेहतर हुई और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है मेरे हेयर बहुत अच्छे हो, हो गए हैं मुझे काफ़ी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल हर दूसरे बंदे को एक्नी का इशू हो रहा होता है और लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं जिसकी वजह से उनकी एक्नी कुछ हर्से के लिए बेहतर हो जाती है लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं वो दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है मैं डेली शूट्स वगैरह करती हूँ जिसकी वजह से मुझे रोज़ मेकअप करना होता है और उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी सिर्फ मेरी एक्नी नहीं मेरे डिफरेंट पैचेस बन गए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है थैंक्स टू डॉक्टर शफक रामे मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी आपको कोई भी गायनी इशू है हार्मोनल इशू है स्किन इशू है आप डॉक्टर शफक रामे के पास लाजमी आए वो सिर्फ आपको ट्रीटमेंट ही नहीं बताएंगी बल्कि आपको बहुत अच्छे मशवरे भी देंगी जैसे कि उन्होंने मुझे काफ़ी देसी टोटके भी बताए जिससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ Thank you so much, Dr. Shafak Rami.